संडे की सुबह दस बजे गुड मॉर्निंग रेडियो सिटी पे शुरू हो गया है टेक्नोटॉक विद डिजिट डॉट इन मेरा नाम है रमित साथ में डिजिट डॉट इन से एक्सपर्ट मिस्टर समीर नहा धोके तेल लगा के आ गए पाजी शुरू करते हैं टेक टॉप थ्री न्यूज़ के साथ तो सबसे पहली खबर यह है कि सैमसंग का जो नोट 9 डिवाइस है एक फ्लैगशिप फोन है वो अब इंडिया में अवेलेबल है दो वेरिएंट्स में जो एक है वो लगभग सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट थाउजेंड रुपीज का है और जो दूसरा है वो लगभग एटी फाइव थाउजेंड रुपीज का है इतने पैसे आते कहां से लोगों के पास मुझे समझ नहीं आता लेकिन इतने पैसों की बात नहीं अगर आपको थोड़ा सा शो ऑफ करना है ना तो हाँ। एक वेरियंट है नोट नाइन का जिसके बैक पे एक किलो का गोल्ड कवर है इसकी कीमत बस सिर्फ चालीस लाख रुपए कोई बात नहीं उसमें क्या 40 चालीस लाख खर्च ही रहे हो तो साथ में बॉडी गार्ड भी रख लेना <laughs> <laughs> हाँ फोन के लिए चालीस लाख का है तो सिक्योरिटी चाहिए हाँ जी नेक्स्ट नेक्स्ट ये तो उन लोगों के लिए है जो ज्यादातर पीसी पर गेमिंग करते हैं डिजाइनिंग करते हैं उनके लिए एनवीडिया ने अपने नए ग्राफिक्स कार्ड्स लॉन्च किए हैं जिनकी कीमत शुरू होती है लगभग पचास से और जाती है एक लाख रुपए तक ये है आर सीरीज ग्राफिक्स कार्ड्स की थोड़ा समझाना ऊपर से निकल गया हाँ तो मतलब अगर आप गेम्स खेलते हो तो आपको दिखता है ना इतने रियलिस्टिक विजुअल्स बंदे के बाल हिलते हैं कपड़े हिलते हैं या अगर जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया था कुछ अलग कार्ड्स के साथ जो अवेंजर्स इन्फिनिटी और थी उसमें जो स्पाइडरमैन के एक्शन थे वो सारे थे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी यू, यू, तो अगर आपके पास जियो फोन है तो अब आप उस पर व्हाट्सएप और यूट्यूब फाइनली यूज कर सकते बहुत बहुत मुबारकबाद सबको व्हाट्सएप और यूट्यूब जिसके बिना हम सांस नहीं ले सकते अब आपको अपने जियो फोन पर मिल जाएगा तो ये दी टॉप थ्री न्यूज ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि शाउमी ने अपना एक नया फोन लॉन्च किया है पोको फोन पोको फोन बच्चों के लिए आ, नहीं ये बच्चों के लिए नहीं है लेकिन इस फोन में कुछ खास बातें हैं तो ठीक है ये बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे पैदा करते हैं उनके लिए है ब्रेक के बाद इसके बारे में बात सुन रहे हैं आप टेक्नोटॉक विध डिजिट डॉट इन मेरा नाम है रमित साथ में डिजिट डॉट इन से एक्सपर्ट मिस्टर समीर बहुत ही खूबसूरत गाने उसके बाद दोबारा वापस आते हैं ठीक है जी अच्छा समीर भाई आपको पता है जब एक आलू दूसरे आलू को फोन करता है तो हाँ, फोन हाँ, उठा प, पता है पता पता है, है तुम ये जोक ना बहुत बार मुझे सुना चुके हो ठीक है आलू आलू बोलेगा ठीक है अब आ, अब शुरू करते हैं यार है। गूगल करने पड़ेंगे और जोक्स <laughs> रेडियो सिटी पे चल रहा है टेक्नोटॉक विद डिजिट डॉट इन मेरा नाम है रमित साथ में डिजिट डॉट इन से एक्सपर्ट मिस्टर समीर और अभी हम करेंगे गैजेट रिव्यू ऑफ शाउमी हाँ तो शाउमी ने अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया है इंडिया में जिसका नाम है पोको फोन और उसका जो पहला फोन है ये पोको एफ है अब इसकी खास बात बताने के लिए थोड़ी सी टेक्निकल चीजें बतानी होगी वो ये है कि जो कॉलकॉम जो आपके फोन के प्रोसेसर बनाता है वो महंगे बनाता है सस्ते बनाता है उनका जो सबसे महंगा और बढ़िया प्रोसेसर है वो है कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन एट जिसको अगर आप खरीदना चाहोगे तो आपको कम से कम तीस से पैंतीस हजार खर्च करना पड़ेगा अच्छा शाउमी ने ये फर्स्ट क्लास प्रोसेसर को लेकर एक बीस हजार रुपए के फोन में डाला है अच्छा तो दुनिया का सबसे सस्ता फोन है जिसमें ये महंगा प्रोसेसर है और बहुत ही फोन तेज भी हो जाएगा बिल्कुल तो इसकी वजह से फोन बहुत अच्छा है बहुत फ्लूड है अगर आप पे इस पे गेम्स खेलने आप PUBG खेलते हो आप बहुत हैवी ग्राफिकल काम करते हो पिक्चर देखते हो तो आपको बड़ा मजा आएगा और तो क्या प्राइस बीस हजार रूपए से शुरू होता है जिसमें सिक्सटी फोर जीबी स्टोरेज आता है और जो इसका सबसे महंगा है वो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन रुपीज का है क्या बात है जो एक रुपए का डिस्काउंट दिया है उन्होंने लास्ट वाले वेरिएंट पे बहुत ही अच्छा दिया है लेकिन इस बीस हजार के प्राइस पॉइंट को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कुछ कुछ खामिया भी की है जैसे इस फोन का डिस्प्ले इतना कुछ खास नहीं है जो इसकी कैमरा है इससे बेहतर कैमराज आपको मिल सकता है फिर तो रह नहीं दो नहीं कैमरा की जहाँ बात आ गई ना आपने खुद ही बोल दिया अच्छा नहीं है तो रह नहीं दो फिर यहाँ पे तो सेल्फी चलती है

बेटा एक जमाना था जब मैं दस रुपए लेकर बाजार जाता था और किराने में सब्जी दूध सब ले आता था पता है बेटे ने क्या कहा क्या कहा पिताजी अब जमाना बदल गया है आजकल हर दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं नाइस ही लाइक्स इट रेडियो सिटी पे चल रहा है टेक्नोटॉक विद डिजिट डॉट इन मेरा नाम है रमित साथ में डिजिट डॉट इन से एक्सपर्ट मिस्टर समीर और अब हम कुछ कैमरा की ही बात करने वाले हैं बिल्कुल तो जो निकॉन कंपनी है उन्होंने दो काफी इंटरेस्टिंग मिररलेस कैमरास लॉन्च किए हैं ये ये क्या मिररलेस मिररलेस का का मतलब तो का मतलब तो होता है कि जो आपके DSLRs होते हैं उनमें एक मिरर होता है जहां पे लाइट uh, रिफ्लेक्ट होती है अंदर से हाँ। से जिसकी वजह आप फोटो खींच सकते हो उसकी वजह से कैमरे की जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और अगर गलती से आपके हाथ से ये डी गिर जाए तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वो है मिररर तो मिरर को हटा दो बॉडी हो गई छोटी और गिर के भी सर्वाइव कर सकती है पॉकेट फ्रेंडली है पॉकेट फ्रेंडली नहीं है लेकिन हाँ एक डीएसएलआर जितनी बड़ी नहीं है लेकिन पॉकेट फ्रेंडली कैमरा जितनी छोटी भी नहीं है इसमें इंटरचेंजेबल लेंसेज भी है तो ये आपको एक डीएसएल जैसी फील देती है डीएसएल जैसे शॉट्स देती है लेकिन डीएसएल जितनी बड़ी बॉडी मतलब नहीं मेरे इंजीनियर भाई अच्छे फोटोग्राफर बन जाएंगे अगर ये ले ऑटो पे चलाओ तो कोई भी फोटोग्राफर है अच्छा बन जाएगा इसके और प्राइस क्या है तो प्राइस यूएस में इसकी जो चीपर वेरिएंट है वो लगभग दो हजार डॉलर की है और जो महंगी वाली है वो लगभग साढ़े डॉलर की है लेकिन इंडिया के कोई प्राइस पॉइंट अभी तक हमारे पास नहीं है ठीक है वो डॉलर का रेट जो चल रहा है कन्वर्ट कर लो वो इंडिया का होगा और क्या है

गुड मॉर्निंग है जी रेडियो सिटी पे चल रहा है टेक्नो टॉक विद डिजिट डॉट इन मेरा नाम है रमित साथ में डिजिट डॉट इन से एक्सपर्ट मिस्टर समीर और जी हाँ भाई बहनो अब बात करेंगे एप्स की हाँ। तो हाँ आज हम ऐप्स में बात करने वाले हैं एक चीज जो कि WhatsApp पे फैल रही है जिसका नाम है मोमो चैलेंज हाँ ये मैंने भी सुना है इसका थोड़ा विस्तार में बताइए हाँ, तो एसेंशली क्या होता है कि आपको एक मैसेज आता है जहां पे एक डिसफिगर्ड लड़की की पिक्चर आपको दी जाती है जिसके हाँ। जरिए आप ये सेंडर के साथ कांटेक्ट में रह सकते हो हाँ। और जैसे कि ब्लू वेल चैलेंज था जहां पे आपको काफी लाइफ थ्रेटनिंग टास्क दिए जाते दिए जाते थे और एंड में आपको सुसाइड करना पड़ता हुँ, था इसमें भी कुछ सिमिलर ही हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अर्जेंटीना में एक बारह साल की लड़की ने आ, सुसाइड कर दिया ये मोमो चैलेंज नहीं 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 फिर ऐसा है जितने भी बच्चे या बच्चों के माँ बाप सुन रहे हैं ये मोमो चैलेंज को आप बहुत बड़ा कांटा लगा दो यार मोमो खाने की चीज होती है यार चैलेंज नहीं करने का ना ना नहीं अच्छी बात नहीं है हाँ और अगर आपके घर पे बच्चे हैं जिनके पास फ़ोन्स हैं तो आजकल अगर आपके पास आईफोन है तो आप आपके खुद के आईफोन से आपके बच्चे के आईफोन्स को कंट्रोल कर सकते हो कि वो किस कंटेंट पे एक्सपोज्ड है काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स भी आते हैं और अगर वो नहीं चलता है तो पुराने ज़मानों की तरह फ़ोन ले कर कबर्ड में लॉक कर दो बिल्कुल बेसिकली ऐसा है कि टाइम टू टाइम थोड़ा सा आप चेक रखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं कमरे में अगर ज़्यादा देर बंद हैं तो क्यों बंद हैं और क्या फ़ोन पर चेक कर रहे हैं ये थोड़ा सा करना ज़रूरी है क्योंकि ज़माना थोड़ा ख़राब हो गया है तो ये था आज का